वेलकम टू गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास बजाज कंपनी के प्रेस आयरन बनने के लिए आई है, रिपेयर होने के लिए। देखिए हमारा एलिमेंट, ये हमने निकाल दिया, इसको रिलीज कर चुका हूँ, मगर इसका एलिमेंट और बड़ा साइज है, हमारे पास जो है वो छोटा साइज है एलिमेंट। तो अभी मैं और हमारे पास दूसरा एलिमेंट अवेलेबल ये नहीं है, मगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी है कि आयरन मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैं अभी इसको एडजस्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे हमने नाप ले लिया, एकदम गजब का है। आप यहाँ से ऐसे इस तरीके से दोनों तरफ का कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद अच्छे से इसको इंस्टॉल कर दो, वर्किंग वैसे ही करेगी, वर्किंग में हीटिंग में कोई कमी नहीं आएगी, एकदम बेस्ट तरीके से। तो ऐसे नॉलेजदार वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी आपको, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए हमारी आयरन एकदम परफेक्ट तरीके से एलिमेंट को हमने इंस्टॉल कर लिया, जरा से ना ज़्यादा है ना बाहर है, ये देखिए एकदम फिक्स तरीके से हमने फिक्स कर लिया है। और एलिमेंट को अभी आप इंस्टॉल कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है एलिमेंट के साइज के लिए, बेस्ट। अब इसमें आप बड़ा भी एलिमेंट लगा सकते हैं और छोटा भी लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। अब इसको हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं ये भी हम दिखा रहे हैं आपको। एलिमेंट को अच्छे से पंच कर लेना है, एलिमेंट को ढीला नहीं रखना है। अगर ढीला करेगा तो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हीट होता है, हीट होने के बाद अगर गैप रहेगी तो ये तुरंत सॉर्ट हो जाएगा। एलिमेंट सॉर्ट होने का कारण यही होता है कि ढीला ना रहे। अभी हमने अच्छे से इसको पंच कर दिया है बेस्ट तरीके से, अभी हमारा एकदम वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ये हमारा ऑटो कट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल करना है, मेन काम इसी का है। ऑन ऑफ हीट को कंट्रोल करना, हीट को डिटेक्ट करना कि कितना हीटिंग हो चुका है, कितने पर कट करना है, कपड़े को जलने ना दें। इसी तरीके से आपको ऑटो कट को भी अच्छे से आपको इंस्टॉल करना है। ऑटो कट को हमने अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। इसमें हम इसकी एलईडी लगाएंगे, एलईडी लगाने के बाद एकदम फिक्स करेंगे इसको। एक बार हमारा ऑटो कट का इसमें जाएगा एलिमेंट पे, मैं नए पैच इसका इस्तेमाल करूंगा जो हमारे कंपनी के साथ मिली है। तो हमारे पास जो इसकी एलईडी है, एलईडी को हम एक ऑटो कट के वायर के साथ एलिमेंट में इंस्टॉल कर देंगे।
जो हमारा दूसरा वायर जो है, दूसरा इतना बड़ा हमारा जंपर वायर लगता है, इसको हम इसी एलिमेंट के साथ में दूसरी तरफ भी इंस्टॉल करेंगे। एलईडी जो है, हमारी जो एलईडी है इसको साथ में रखेंगे और एलिमेंट पे इंस्टॉल कर देंगे। देखिए हमारा दोनों दूसरा भी वायर एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, एलिमेंट भी यहाँ पे लग चुका है और हमारी एलईडी भी लग गई है। हमारा जो एक वायर है ये ऑटो कट का है, यहाँ से होते हुए रिटर्न फिर इस पे करंट आएगा तो हमारा इस तरफ जाएगा एलिमेंट पे, दूसरा एकदम डायरेक्ट करंट जाएगा। जब दोनों न्यूट्रल फेस मिलने पर ये अंदर स्प्रिंग लगी होती है, इसको हीट करेगा, हीट करने पर आयरन एकदम हीटिंग पर आ जाएगी। मैं बाहर से हीटिंग करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। दोनों वायर कनेक्ट कर लिए हैं अपने सीरीज के और यहाँ पे हमारा ये सीरीज बोर्ड है, अभी ऑन ऑफ करेंगे। ये देखिए हमारी सीरीज बोर्ड काम कर रही है, वर्क कर रही है अच्छे से। ठीक है गाइस, अब इसको मैं पावर दूंगा डायरेक्ट। हमारा एम्पियर मीटर देखिए, एम्पियर मीटर लोड दिखाएगा आपको। अभी मैंने यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर देखिए हमारा एम्पियर मीटर है। यहाँ पर जैसे ऑन करेंगे हमारा एम्पियर मीटर फट से उठेगा। ये देखिए हमारा एम्पियर मीटर वर्किंग करना शुरू कर दिया, 20 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, अभी ऑफ किया हमने, घट गया, फिर से ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा वर्क कर रहा है, 20 एम्पियर जा रहा है। कोई इसमें बॉडी और नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी एलईडी भी एकदम डिटेक्ट कर रही है, बढ़िया एलईडी भी चल रही है। देखिए देखिए हमारी एलईडी ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है गाइस, अभी देखिए इसका टेम्परेचर आने के बाद ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। उसका कट करके भी हम देख रहे हैं किस तरीके से ये कट होती है। ये देखिए हमारी प्रेस कट हो गई है, फिर से हम थोड़ी सी ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन हो गई है। ठीक है गाइस, ये देखना हमारी प्रेस फिर से कट करेगी। ये देखिए हमारी प्रेस कट हो गई है। ठीक है, फिर से हम ऑन करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए हमारे पास ऑटो कट का जो सिस्टम है, ये हमारा यहाँ पे ऑटो कट लगा हुआ है। यहाँ से भी देखना पत्ती अपना काम करेगी, टेंशन पत्ती है। ठीक है, कट होगा, पत्ती आपकी डाउन हो जाएगी। ये देखिए हमारी पत्ती डाउन हो गई है, फिर से हम इसको थोड़ा सा और ऑन करेंगे। ये देखिए फिर से हमारी पत्ती रेडी है, तैयार हो गई है हीटिंग देने के लिए। ये देखिए हमारी पत्ती फिर से कट होगी। तो फाइनली हमारी गाइस हमारी एकदम प्रेस वर्किंग कंडीशन पे हो गई है। अब इसका मैं इसके कपड़े पहनाऊँगा ताकि ये महफिल में जाने के लायक हो जाए। तो गाइस हमने यहाँ पे इसको अच्छे से बना एकदम फिटिंग कर दिया इसकी बॉडी पे है, अच्छे से आपको फिटिंग करना है, कपड़े फिटिंग का पहनाना है इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन आपको छेद मिलेंगे न्यूट्रल लाइन। ये हमारी वायर है, यहाँ पर हमारी न्यूट्रल लाइन जाएगी जो हमारे बोर्ड से आती है, न्यूट्रल फेज जिसको बोलते हैं। ये हमारी एलईडी है। ठीक है, अब हमारी प्रेस एकदम कंप्लीट होगी, अब इसका कनेक्शन करना बाकी है। कनेक्शन भी करके दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देखिए हमारे प्रेस कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये देखिए हमारा एम्पियर मीटर गया है। ये देखिए हमारी रेड लाइट भी जल रही है, इसमें कंप्लीट हो गई है।